हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूँ आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूँ हाउ टू क्लोरीन गैस मैन्युफैक्चर। क्लोरीन गैस कैसे मैन्युफैक्चर होती है, प्लांट में कैसे क्लोरीन गैस बनती है, उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, क्लोरीन गैस जो है, क्लोरीन गैस का जो रॉ मटेरियल है वो नमक है, साधारण नमक NaCl। NaCl को जब हम पानी में घोलते हैं और जब उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, तो वो तीन भागों में टूटता है। सबसे पहले NaOH, जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं, उसके बाद क्लोरीन में और हाइड्रोजन में। तो दोस्तों, और ये जो है इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोवाइड कराते हैं किसी भी केमिकल में, तो उस समय जो केमिकल रिएक्शन होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। यानी कि आप सिंपल भाषा में कह सकते हो कि NaCl और पानी की जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो है क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक भी कहते हैं, ये जो है टूटते हैं। और इसमें से हमारा जो, दोस्तों, हमें इससे तो मतलब है नहीं, हाइड्रोजन गैस से मतलब है नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से मतलब तो है नहीं, हमें क्या किससे मतलब है दोस्तों, इस क्लोरीन गैस से। अब क्लोरीन गैस का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, क्या होती है, वो मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले नमक को हाइड्रोलाइजर में ले गए, इलेक्ट्रोलाइजर में ले गए, इलेक्ट्रोलाइजर में वो ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रोलाइजर में ब्रेक होकर क्लोरीन गैस मिल गई। लेकिन क्लोरीन गैस में क्या है कि क्लोरीन गैस का टेम्परेचर लगभग, जब वो इलेक्ट्रोलाइजर से निकलती है क्लोरीन, तो उसका टेम्परेचर लगभग 90 या 100 के आसपास होता है। और क्लोरीन के साथ हमारा जो है मॉइस्चर होता है और ब्राइन मिस्ट, यानी कि NaCl का मिस्ट होता है। जो नमक है, नमक के कुछ रेसिड्यू यानी कि पार्टिकल इसके साथ होते हैं। तो अब हमारे क्या है, क्लोरीन गैस आए, उसका टेम्परेचर एक तो बढ़ा हुआ है, लेकिन उसके साथ दो इम्प्योरिटी है, एक तो मॉइस्चर है और एक ब्राइन मिस्ट है। ब्राइन मिस्ट मतलब नमक के छोटे छोटे पार्टिकल उसके साथ कैरी कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, क्लोरीन का टेम्परेचर अधिक है, तो चूंकि हमें क्लोरीन को लिक्विडफाई करना है, तो लिक्विडफाई करने के लिए हमें टेम्परेचर तो डाउन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस क्लोरीन गैस को हम ले जाते हैं क्लोरीन प्राइमरी कूलर में। क्लोरीन प्राइमरी कूलर में कुछ नहीं होता, ये एक तरह से सेलेंट ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर है, जिसके ट्यूब में तो हमारी क्लोरीन चल रही है और सेल में हमारा जो है कूलिंग वाटर का टेम्परेचर मैक्सिमम कितना होता है दोस्तों, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कूलिंग वाटर से हम इसको ठंडा करते हैं, किसको दोस्तों, क्लोरीन गैस को। तो क्लोरीन गैस यहाँ पे 90 डिग्री में इन हुई, लेकिन जब हमारा क्लोरीन प्राइमरी कूलर से निकलेगी, जिसे हम कूलिंग वाटर से ठंडा किए, तो उसका टेम्परेचर जो है 90 से 40 डिग्री के आसपास, 40 या 45 डिग्री के आसपास हो गए। यानी कि अब टेम्परेचर हमने कहाँ से 90 से 40 तक ले आए। फिर इसको हम क्लोरीन सेकेंडरी कूलर में ले जाएंगे। क्लोरीन सेकेंडरी कूलर में क्या होगा दोस्तों, जो 40 डिग्री की क्लोरीन है ट्यूब साइड इन होगी, सेल साइड में यहाँ पे चिल्ड वाटर से हीट एक्सचेंज कराएंगे। यहाँ कूलिंग वाटर का टेम्परेचर 30 था, लेकिन यहाँ पे चिल्ड वाटर का टेम्परेचर 8 या 10 डिग्री होगा। तो 8 या 10 डिग्री से हम क्लोरीन को और ठंडा किए। तो क्लोरीन जब इधर से इन हुई 40 डिग्री के, लेकिन जब जो चिल्ड वाटर के संपर्क में आई, हीट एक्सचेंज हुआ, सेलेंट ट्यूब टाइप का सिंपली हीट एक्सचेंजर है, तो उसका टेम्परेचर जो है 40 से कितना हो गया दोस्तों, 15 डिग्री हो गया। अब तो क्लोरीन का टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन हो गया। 90 से क्लोरीन का टेम्परेचर 15 डिग्री तक ला दिया, यानी क्लोरीन का टेम्परेचर डाउन है। अब लेकिन उसके साथ साथ दो इम्प्योरिटियाँ हैं हमारे पास, एक तो है मॉइस्चर और दूसरा है ब्राइन मिस्ट, यानी कि नमक के पार्टिकल। तो हम क्या करेंगे, मॉइस्चर को और ब्राइन मिस्ट को रिमूव करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, जो है ये एब्जॉर्प्शन कॉलम है, एब्जॉर्प्शन कॉलम जिसमें जो है इंटरलॉक साइडल, इसमें पैकिंग भरी हुई है, पैकिंग इंटरलॉक साइडल जो है ये भरी हुई है। और ऊपर से हम क्या करेंगे दोस्तों, 98% प्योर 98% H2SO4
H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो है जिसकी कंसंट्रेशन 98% है, ऊपर से क्या कराएंगे, गिराएंगे, और नीचे से हम क्या करेंगे, क्लोरीन गैस को भेजेंगे। तो क्लोरीन गैस क्या करे, क्लोरीन गैस जो है 15 डिग्री पे इन हुई, लेकिन उसके साथ मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर को लेके हमारा जो है 98% H2SO4 जो है वो मॉइस्चर के संपर्क में जैसे आएगा उसे अपने अपने में डिजोल्व करा लेगा, मॉइस्चर को अपने अंदर सोख लेगा, और खुद 98% H2SO4 ऊपर से जैसे ही इन हुआ, मॉइस्चर को जैसे ही अपने साथ लिया, तो वो 98 से 78% कंसंट्रेटेड हो गया। 98% H2SO4 का मतलब कि 98% H2SO4 है, 2% पानी है, लेकिन जैसे ही ये इस क्लोरीन गैस के मॉइस्चर को लिया तो अब ये 78% हो गया कंसंट्रेटेड, यानी 78% हमारा H2SO4 और अप्रोक्स 22% हमारा क्या हो गया दोस्तों, पानी, यहाँ पे 22% पानी इसमें और ऐड हो गया। तो एक तरह से ये इसमें जो है मॉइस्चर रिमूव हो गया, इसे हम क्लोरीन ड्रायर टावर भी कहते हैं, क्लोरीन ड्रायर ड्राइंग टावर या ड्राइंग टावर, क्लोरीन की ड्राइंग टावर, क्योंकि इसमें ड्राइंग हो रही है। ड्राइंग कैसे हो रही है दोस्तों, मॉइस्चर को रिमूव करके। मॉइस्चर कैसे रिमूव हो रहा है, वो सल्फ्यूरिक एसिड के जैसे ही संपर्क में मॉइस्चर आ रहा है, पानी आ रहा है, तो सल्फ्यूरिक एसिड उसे अपने आप में डिजोल्व करके खुद डाइल्यूट हो जा रहा है। पहले कंसंट्रेट फिट किया तो जैसे वो मॉइस्चर गया तो डाइल्यूट हो गया। इस तरह से हमारा यहाँ पे मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर या कह लो या ब्राइन मिस्ट जो है, नमक के पार्टिकल वगैरह, वो सब यहाँ पे क्या है, अलग हो गए, क्योंकि हमने सावरिंग कराई, तो ओनली गैस गैस ही ऊपर उठी, क्लोरीन गैस ऊपर उठी और सीधे आ गई क्लोरीन कंप्रेसर में। दोस्तों क्लोरीन कंप्रेसर ये किस टाइप का कंप्रेसर है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड रिंग कंप्रेसर, सल्फ्यूरिक एसिड रिंग कंप्रेसर। दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड रिंग कंप्रेसर क्या है, इसे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, नहीं तो मैं जब कंप्रेसर का पूरा पार्ट पढ़ाऊंगा, कंप्रेसर के सारे क्वेश्चन जो हैं अप्रोक्स 200 क्वेश्चन लगभग, तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें कंप्रेसर जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो रिंग कंप्रेसर उसको भी बता दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्लोरीन का टेम्परेचर डाउन है और उसमें इम्प्योरिटी भी, मॉइस्चर भी नहीं है, तो उसे हम कंप्रेसर में भेज दें। दोस्तों मॉइस्चर रिमूव करने का यही रीज़न है कि हमारा जो कंप्रेसर होते हैं वो हमेशा वेपर के लिए डिजाइन होते हैं, वो लिक्विड को नहीं हैंडल कर सकते। अगर लिक्विड अगर कंप्रेसर में चल गई तो लिक्विड क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूड है, उसे कंप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन वेपर क्या है दोस्तों, कंप्रेसिबल है, वेपर को कंप्रेस कर सकते हो लेकिन लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते, वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूड है। तो अगर वो कंप्रेसर में आ जाएगी तो पिस्टन उसके तुरंत टूट जाएंगे, क्योंकि लिक्विड है इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस पिस्टन क्या है चाहेगा कि कंप्रेस कर दूं, लेकिन लिक्विड क्या है इनकम्प्रेसिबल है, तो कंप्रेस होगा ही नहीं, तो पूरा पिस्टन क्या होगा, टूट जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे मॉइस्चर को हटा दिए और यहाँ पे ला दें और जो है क्लोरीन कंप्रेसर में। क्लोरीन कंप्रेसर किस टाइप का कंप्रेसर होता है दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड रिंग कंप्रेसर। अब इसका जो डिस्चार्ज है ये आपका 0.3 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे सक्शन लेगा और 3.3 केजी यानी कि 3.5 केजी के प्रेशर पे ये डिस्चार्ज करेगा। 0.3 केजी का लेके 3.3 केजी का ये डिस्चार्ज करेगा, और जो डिस्चार्ज करेगा वो कहाँ करेगा दोस्तों, जो क्लोरीन जाएगी वो किस में जाएगी दोस्तों, कैंडल फिल्टर। कैंडल फिल्टर कुछ नहीं है, कैंडल फिल्टर में क्या है कि ये एक टाइप का फिल्टर है जिसमें हमारे ग्लास वूल भरे हैं। ग्लास वूल आप जानते हो, ये एक तरह से इंसुलेशन का काम करता है ग्लास वूल। तो ग्लास वूल में जो है हम क्लोरीन गैस को इसलिए भेजते हैं कि जितनी भी टाइप की एसिड हो, क्लोरीन गैस को ही बस वो पास कराएगा, बाकी जितने टाइप की एसिड हो या मॉइस्चर हो या ल्यूब ऑयल हो, कुछ भी हो, उसे वो ट्रैप कर लेगा, बस क्लोरीन गैस को ही पास कराएगा। अब यहाँ से कैंडल फिल्टर से हमारे क्लोरीन गैस आगे बढ़े और वो कहाँ गई दोस्तों, क्लोरीन लिक्विफायर में। क्लोरीन लिक्विफायर में, क्लोरीन लिक्विफायर में क्या होता है कि हम इसमें जो है ट्यूब साइड में तो क्लोरीन देंगे। दोस्तों क्लोरीन हमेशा सेलेंट ट्यूब टाइप के हीट एक्सचेंजरों में हमेशा ट्यूब साइड चलेगी, सेल साइड नहीं जाएगी।
ट्यूब साइड ही क्यों क्योंकि ये कोरोजिव है। अगर सेल को कोरोज कर देगी तो सेल को नहीं रिप्लेस कर सकते, लेकिन ट्यूब को अगर कोरोड भी कर दी या स्केलिंग या कुछ भी हो जाए तो ट्यूब को रिप्लेस इजिली कर सकते हैं। तो इसलिए जितनी जगह हमारी क्लोरीन इन होगी सेलिंग ट्यूब टाइप में, तो हमेशा ट्यूब साइड ही इन होगी। तो क्लोरीन यहाँ भी हमने ट्यूब में डाला। ये है क्लोरीन लिक्विफायर। इसमें क्या होता है दोस्तों, ट्यूबों में तो क्लोरीन चल रही है, क्लोरीन के वेपर चलेंगे, लेकिन सेल में हम फ्रियोन गैस भेजेंगे। फ्रियोन गैस एक टाइप का रेफ्रिजरेंट है और इसका टेम्परेचर -20 डिग्री होता है। तो -20 डिग्री जैसे ही सेल साइड में हम फ्रियोन गैस को देंगे और इधर हमारा क्या होगा दोस्तों, क्लोरीन होगी, क्लोरीन की वेपर होगी, तो -20 डिग्री पे क्लोरीन तुरंत लिक्विडफाई हो जाएगी और लिक्विडफाई होते ही उसे हम स्टोरेज टैंक में रख देंगे। दोस्तों स्टोरेज टैंक की MOC क्या है, यानी मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है? तो जो MOC है स्टोरेज करने की लिक्विड क्लोरीन को, तो वो बना है LTCS का। LTCS मतलब लो कार्बन, लो टेम्परेचर कार्बन स्टील। LTCS लो टेम्परेचर कार्बन स्टील, ये बना है स्टोरेज टैंक। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिक्विड क्लोरीन को भर लेंगे, फिर इसे हम पंप से उठाएंगे। पंप दोस्तों, ये क्लोरीन क्लोरीन को हैंडल करने वाला जो पंप है वो है केंड पंप। एक ऐसा पंप है जो सीललेस है, उसमें सील नहीं होती, मैकेनिकल सील नहीं होती। वो क्या है कि इसका केंड पंप का यूज क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सीललेस है, सील हमेशा क्या होती है, कभी ना कभी लीक कर जाएगी। अगर ये सपोज करो कि ये सील वाला कोई सेंट्रीफ्यूगल पंप होता तो वो क्या होगा, सील लीक कर जाते तो क्लोरीन पूरे एटमॉस्फेयर में आ जाते, और एटमॉस्फेयर में क्लोरीन आ जाएगी तो जानते हो कितनी डेंजरस है। इसलिए हम इसे केंड पंप से भेजते हैं, ट्रांसफर करते हैं। केंड पंप क्या है, सीललेस पंप है, उसमें सील नहीं होती, उसमें अंदर ही अंदर उसमें लीकेज का एकदम बिल्कुल चांस ही नहीं होता, 0%। आप केंड पंप को नेट पे सर्च करके देख सकते हो। तो ये LTCS वाले वेसल में हम इस क्लोरीन को स्टोर कर लिया, फिर केंड पंप उसे उठाया और 14 kg के प्रेशर से भेज दिया हेडर में। 14 kg के प्रेशर से ये ट्रांसफ़र किया। कहाँ ट्रांसफ़र किया दोस्तों, जहाँ पे हम क्लोरीन के सिलेंडर भरते हैं, ये एक हेडर में भेजेगा। जैसे केंड पंप है, केंड पंप ये हमारा सपोज करो केंड पंप है, तो ये जो है एक हेडर में क्या करेगा, इस लिक्विड को भेज देगा और हेडर से ही हम सिलेंडर 1, सिलेंडर 2, सिलेंडर 3, सिलेंडर 4 ऐसे करके पूरे सिलेंडर को सिलेंडर भरते चले जाते हैं। और दोस्तों सिलेंडर जब भर जाता है तो सिलेंडर अपने आप बता देता है कि मैं भर गया हूँ, क्योंकि उसका जो सिलेंडर का प्रेशर है अप्रोक्स 10 kg हो जाता है। दोस्तों सिलेंडर भरते समय, क्लोरीन का सिलेंडर भरते समय एक बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि गलती से भी क्लोरीन में, लिक्विड क्लोरीन में मॉइस्चर ना आ जाए। अगर गलती से भी मॉइस्चर अगर आ गया तो वो मॉइस्चर क्या करेगा दोस्तों, कि मॉइस्चर का मतलब पानी, और पानी जो है आप जानते हो कि पानी का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री से ऊपर होता है। पानी कोई भी हो, अगर लिक्विड है तो 0 से ऊपर होगा, अगर आइस है, बर्फ है, तो वो तो 0 डिग्री पे बर्फ हो जाता है। लेकिन अगर पानी का अगर मॉइस्चर है, यानी कि वो उसका टेम्परेचर क्या है दोस्तों, 0 से ऊपर है। लेकिन क्लोरीन का टेम्परेचर कितना है, -10 के आसपास। जब ये पंप डिस्चार्ज करता है सिलेंडर में, तो सिलेंडर में जो क्लोरीन जाती है तो उसका टेम्परेचर -10 होता है। तो -10 में जैसे ही ये पानी मिलेगा जो 0 डिग्री से ऊपर का है, मॉइस्चर जो मिलेगा, तो वो क्या करेगा कि क्लोरीन गैस को वेपराइज करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो अपना लेटेंट हीट खोएगा तो क्लोरीन उतनी वेपराइज हो जाएगी, वेपर फेज में आएगी, लिक्विड से वेपर फेज में आ जाएगी। अगर गलती से भी अगर जो क्लोरीन है अगर उसमें मॉइस्चर मिल गया तो, और मॉइस्चर क्या करेगा कि उस लिक्विड क्लोरीन को वेपराइज करेगा, अगर वो वेपराइज कर दिया तो आप जानते हो कि वेपर प्रेशर के क्लोरीन का कितना अधिक होता है, तो पूरा सिलेंडर जो भरा है जो 10 kg पे नॉर्मली है, अगर किसी वजह से उसमें 1 ड्रॉप ऑफ वाटर या 5 ml
वाटर अगर मिल जाए तो वो पूरा का पूरा जो है क्लोरीन को वेपराइज करेगा, और वेपर प्रेशर सिलेंडर पे इतना ज़्यादा लगेगा कि वो तुरंत क्या हो जाएगा, पॉप अप कर जाएगा, सिलेंडर तुरंत पॉप अप कर जाएगा, वहाँ से क्लोरीन तुरंत बाहर आ जाएगी। तो ये ध्यान रखते हैं कि क्लोरीन का सिलेंडर भरते समय सिलेंडर में मॉइस्चर वगैरह ना हो, सिलेंडर में मॉइस्चर ना हो या लाइन में मॉइस्चर ना हो। तो ये हो गई, यहाँ पे हम क्लोरीन को, लिक्विड क्लोरीन को भर दिए। प्रोसेस को एक बार और समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि जो इलेक्ट्रोलिसिस किए, किसका, नमक और पानी का, कैसे किया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा दिया। तो आप जानते हो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, एनोड कैथोड में अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं, तो वो तो लॉन्ग प्रोसेस है, वो तो कभी भी आप सीख सकते हो। तो वो दो भागों में टूटा है, एक NaOH और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, इन तीन भागों में टूटा, सॉरी। और फिर उसके बाद क्लोरीन में हमारा मिस्ट, ब्राइन मिस्ट है, यानी कि नमक के कुछ पार्टिकल हैं और मॉइस्चर है। तो हमें क्लोरीन गैस एकदम फ्री फ्रॉम ऑफ मॉइस्चर चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि मैंने बता ही दिया यहाँ पे। तो उसे क्या करते हैं, एक तो उसका टेम्परेचर घटाते जाते हैं, टेम्परेचर यहाँ 90 किए, फिर प्राइमरी कूलर में कूलिंग वाटर से ठंडा किए तो उसका टेम्परेचर आ गया 40 डिग्री, और फिर जो है चिल्ड वाटर से उसको ठंडा किए तो उसका टेम्परेचर आ गया 15 डिग्री। फिर उसे हम उसमें मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर को निकालने के लिए हम 98% सल्फ्यूरिक एसिड से वॉशिंग किए तो उसके मॉइस्चर सभी रिमूव हो गए, और जो हमारा 98% कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो 78% सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। फिर उसे कंप्रेसर में ले गए। कंप्रेसर में ले जाने का मतलब कि लिक्विड फाई ही करना है, मेन पर्पज लिक्विड फाई करना ही है। तो कंप्रेसर में लगे, कंप्रेसर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड रिंग कंप्रेसर है, वो जो है कैंडल फिल्टर में भेजेगा क्लोरीन को। तो यहाँ पे ग्लास वो भरी है कैंडल फिल्टर में, तो वो जितने भी एसिड है, मॉइस्चर है या ट्रेस पार्टिकल है या कुछ भी हो, उससे ट्रैप कर लेगी, बाकी हमारा बाकी क्लोरीन को भेज देगी क्लोरीन लिक्विड फायर में। क्लोरीन लिक्विड फायर में हम फ्रियोन गैस यूज कर रहे हैं जिसका इनलेट टेम्परेचर है -20 डिग्री, तो पूरा क्लोरीन को क्या करेगा, लिक्विड फाई कर देगा। फिर लिक्विड क्लोरीन को हम स्टोरेज टैंक में रख लेंगे जिसका टेम्परेचर एप्रोक्स जो है -10 या -12 होगा, और इसकी MOC जो दोस्तों है वो LTCS है, लो टेम्परेचर कार्बन स्टील। फिर उसे कैंड पंप के जरिए सिलेंडर में भेज देंगे, फिलिंग कर लेंगे। दोस्तों आप पूछोगे कि ये टावर किस मेटल का होगा, ये जो हम ड्राइंग टावर, एक तरह से क्लोरीन ड्राइंग टावर कह रहे हैं, तो ये बना होता है हमारा टाइटेनियम का, टाइटेनियम मेटल का बना होता है, बहुत ही कॉस्टली होता है, क्योंकि क्लोरीन जो है उसका नेचर एसिडिक है। तो वो पूरा अगर और मेटल जैसे आप स्टील का कोई भी लगा दो तो वो तुरंत, आयरन या स्टील का लगा दो तो वो तुरंत खा जाएगा उसे, लेकिन ये टाइटेनियम का है, इसकी हार्डनेस और कोरोजिंग रेजिस्टेंस बहुत ही अधिक होता है। तो आई होप आपको क्लोरीन गैस की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं आपको आ गया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।